शांति। 9 जनवरी 2024 की मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, कल्प के बाद मिले हुए लाडले बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस जाने के लिए तुमको पवित्र जरूर करना पड़ेगा, विकार में जाने के कारण ही तुम बहुत पतित बने हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो, यही स्वदर्शन चक्र है। मुख से ज्ञान शंख बजाना है, यह ज्ञान की बातें हैं, यह तुम्हारा बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता है। बाप को याद करो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। यह स्कूल है, यह कोई सत्संग नहीं है, महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है, डर की कोई बात नहीं कि स्वामी नाराज ना हो जाए, यह तो बाप है ना। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है, बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है, बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक हैं। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहाँ से ली, यह कोई भी नहीं जानते, तुम समझते हो हम यह थे फिर बन रहे हैं। तुमको अब फीलिंग आती है कि हम यह मृत्यु लोक का शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे, प्राप्ति कितनी भारी है, भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्ति नहीं, भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, दान पुण्य तीर्थ वर्त नेम आदि बहुत करते हैं, अच्छा साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ, चढ़ती कला तो हुई नहीं और ही उतरती कला हुई। ब्रह्मा बाबा खुद भी कहते हैं हमने 12 गुरु किए, अब समझते हैं कि यह तो टाइम वेस्ट हो गया और ही नीचे उतरते गए, परंतु यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप इतना अच्छी रीति समझाते हैं फिर भी आश्चर्यवंत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, माया के बन जाते हैं। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है, ज्ञान ब्रह्मा का दिन है, भक्ति ब्रह्मा की रात है, ज्ञान से सुख मिलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं कि तुम ही विश्व के मालिक थे फिर तुम ही नीचे उतरते आए हो, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, और कोई बात नहीं, बहुत है जो बाबा को याद नहीं करते, अपने ही धंधों में रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं, परंतु इसमें तो काम आदि करते भी बुद्धि से याद करना है। तुम आशिक हो मुझ माशूक के, अब मैं तुमको कहता हूँ, और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो, खाते पीते सिर्फ यह आदत डालो कि मैं आत्मा हूँ और बाप को याद करो। बाप तुमको कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम यह पाई पैसे की बात नहीं मानते, मुझे याद नहीं करते, अगर कम पुरुषार्थ किया तो प्रजा में दास दासियां जाकर बनेंगे, तो कितना घाटा हो जाएगा, तो घाटे और फायदे का भी विचार करो। यह सौदा डायरेक्ट बाप से करना है, बाप देते हैं ज्ञान रत्न, वह तो दाता है, बच्चे चावल मुट्ठी देते हैं, बाप तो देते हैं बेहद की बादशाही, उनकी भेंट में यह चावल मुट्ठी हुई ना, तुम सब सुदामे हो, क्या देते हो और क्या लेते हो, विश्व की बादशाही लेकर विश्व के मालिक बनते हो। सदा बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का भी वह सागर है, सब कुछ उनसे मिलता है। भगवान पढ़ाते हैं एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, बाबा को कहें कि मुझे फुर्सत नहीं है,
अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने लिए, यह कहने में शर्म नहीं आता। अच्छा, मुरली का सार है, मीठे बच्चे इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए? उत्तर है, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो, अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की रजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गंवा देंगे, इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता। तुम बच्चे सुधा में मिसल चावल मुट्ठी देते हो और विश्व की बादशाही लेते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, संग से अपनी बहुत संभाल करनी है, एक सत बाप का संग करना है, माया 5 विकारों के संग से बहुत दूर रहना है। दूसरा है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, अपनी मस्ती में रहो, कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, एक दिन भी पढ़ाई मिस मत करो। आज का वरदान है, सेवा में स्नेह और सत्यता की ऑथोरिटी का बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भाव। जैसे इस झूठ खंड में ब्रह्मा बाप को सत्यता की ऑथोरिटी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा, उनके ऑथोरिटी के बोल कभी अहंकार की भासना नहीं देंगे। ऑथोरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, ऑथोरिटी के बोल सिर्फ प्यारे नहीं प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करो, स्नेह और ऑथोरिटी निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना, अर्थात भाग्य का अधिकार लेना। ओम शांति।